रोहू पकड़े भर के कैसा लग रहा जी? पकड़ी भर के कैसा लगता है? अच्छा नहीं लग रहा है? गर्माहट आ जाएगी तब काम करने में अच्छा लगेगा। एकदम सटीक तरीका, एकदम सिंपल तरीका। एक दो, तो देखिए दोस्तों बिरयानी बनके रेडी हो गया। कितना गजब दिख रहा है जी, हे एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, मैं भी ठीक हूँ। सो गाइस, शाम हो चुकी है, मैंने अपना ब्लॉगिंग शाम से स्टार्ट कर दिया है। तो अभी ठंड हमारी तरफ तो बहुत ही ज़्यादा है, आप लोग की तरफ पड़ रही है नहीं पड़ी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ी है, ज़बरदस्त जैसा चाहिए वैसा। तो अभी हम जा रहे हैं वेज बिरयानी बनाने। गाइस वीडियो मन रहेगा, फुल वॉच कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो करते हैं। गुड इवनिंग दोस्तों, देखिए शाम हो गई और इतनी भयानक वाली आज कड़ाके की ठंड है कि दिमाग खराब हो गया है। ठंड में कुछ कहा ही नहीं जा रहा, क्या हम लोग करें। कल धूप हुआ था, आज फिर से एकदम रोवा दिया ठंड। और देखिए अभी 4:30 का टाइम हो रहा, कुहेसा अभी से घिरने लगा है। तो देखिए क्या होता है, हवा देखिए कितना तेज चल रहा है, मतलब हमारे तरफ तो लग रहा है कि एकदम ठंड से मार ही डालेगा ठंड। तभी चलते हैं, खा अपना रूटीन शुरू करते हैं। तो दोस्तों इधर शाम हो गई है, डाली झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया आंगन में। अभी हम लोग यहीं पे बैठ के अपना काम धाम करेंगे, आग भी जलाएंगे क्योंकि आज ठंड बहुत ही भयानक वाली है। तो अभी झाड़ू लगा लेती है, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो इधर अभी गाय को नाद पे लगा देती है डाली, तो वो छाटी पानी खाएगी। देखिए दोस्तों इधर अनूप आ गया लकड़ी फाड़ने, क्योंकि ठंड जबरदस्त है तो अभी बिना आग का तो कोई काम नहीं होगा। तो इधर लकड़ी फाड़ लेता है, फिर चलेंगे आग जलाने। अनूप लकड़ी फाड़ के कैसा लग रहा जी? अच्छा नहीं लग रहा है? अनूप आग जला दिया है और चाय नमकीन लग गया शाम में पीने के लिए, तो सर वो चाय नमकीन पी रहे हैं। और इधर हो रही है बिरयानी बनाने की तैयारी, सारे सामान रख लिए हैं, अभी कट करेंगे तब बनाएंगे। तब तक हम लोग पहले चाय पी लें, जो शरीर में थोड़ा गर्माहट आ जाए। क्यों अनूप? हाँ, शरीर में थोड़ा गर्माहट आ जाएगी तब काम करने में अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा, क्योंकि ठंड इतनी तेज है आज। देखिए दोस्तों अभी इधर खाना बनाने की तैयारी हो गई है, होना शुरू हो गई है। और इधर दीदी सब्जी काट रही है, वो भी काट रहे हैं। तो आज तो पता चली गया आप लोग का, और टाइटल थंबनेल से पता चली गया होगा कि बनाने वाले हैं बिरयानी। हाँ, तो यहाँ पे हमने गोभी काट लिया, तो ये सारा सब्जी ले लिए हैं दोस्तों, तो भी काट लेते हैं सारे सब्जी को। और चाय नाश्ता करते थोड़ा टाइम लग गया है। हाँ, थोड़ा आग सेकने लगे हम दोनों, क्योंकि ठंड इतने कड़ाके की है आज की, पूछिए मत। तो टाइम तो लग ही जाता है कि मनुप जी। हाँ एकदम बात सही है। और डाली लहसुन छुड़ा रही है। लहसुन छुड़ा रही हो जी? हाँ हाँ, काहे के लिए लहसुन छुड़ा रही हो? हाँ, पीसने के लिए। पीसने के लिए मतलब कुछ बनाना नहीं है क्या उसका? बनाना मम्मी बिरयानी खाती हो? कौन वेज बिरयानी नहीं खाएगा जी, बहुत लोग चिकन नहीं खाते तो नॉन वेज नहीं खाते, तो नॉन वेज वाला बिरयानी नहीं खाते हैं। जैसे तुम? हाँ, लेकिन वेज बिरयानी तो सब खाते हैं, जैसे किसी पसंद रहे या ना रहे सब खा लेंगे। तो इधर लहसुन और ये है दो गांठ अदरक, तो लहसुन अदरक का पेस्ट बनाएगी डाली हुई पीस लेगी। इधर सब्जी में हम आलू काट लिए हैं दो, गोभी इतना, 4 प्याज छोड़ा लिए हैं, इतना गाजर है, बीन्स है और हरा मटर है। सारे को डाल के बिरयानी बनाएंगे, तो सारे को अच्छे से धो लेते हैं पहले, उसके बाद चलेंगे बनाने। तो पानी तो बहुत ठंड होगा? पानी तो बहुत ज्यादा ठंड है, काम तो करना पड़ेगा, ये तो खाने को नहीं मिलेगा। क्यों लोग ठंड ज्यादा पड़ रहा है तो कोई क्या करे है, कैमरा पकड़ने में हाथ कांप रहा है अभी। और हवा कितनी तेज चल रही है। और दोस्तों देखिए हवा चल रही है, चलना स्टार्ट हो गई है, क्या ही बताया जाए। ठंड तो ठंड होता है, गर्मी तो गर्मी होता है। गर्मी में अभी बढ़िया नहीं है और ठंडी में भी बढ़िया नहीं है, किसी चीज़ में बढ़िया नहीं है, लेकिन ठंडी से अच्छा लगता है। होली बात तो अच्छा लगता है, काहे कि से घाम धूप गर्मी स्टार्ट हो जाती है, शुरू शुरू का गर्मी होता है। डाली हंस रही है। अरे इसका काम कम है, कहा है खाली हंसना है और कहा कहा है धूप को इधर घाम बोला जाता है गांव में। हम लोग इधर घाम ही बोला जाता है, धूप तो शहर में बोलते हैं लोग,
गांव देहात में घाम बोला घाम बोला जाता है क्यों दीदी? नहीं जी ऐसी बात नहीं है। कहाँ है ऐसी बात नहीं है, जब बोला जाता है तो। इधर प्याज काट रहे हैं दोस्तों, प्याज काट के तब चलेंगे चूल्हा जलाएंगे। किस पे बनेगा जी अम्मी? चूल्हे पे, लकड़ी पे। तो लकड़ी पे ही बनाना है, एक ही चीज बनाना है तो दोस्तों बनाना है, जल्दी से लकड़ी जला दो। हाँ मम्मी जाओ चूल्हा जलाओ दोस्तों। इधर हम गाजर, बीन्स, गोभी, टमाटर, आलू, मटर रख लिए हैं बनाने के लिए। इधर हम प्याज काट लिए इसको फ्राई करके ऊपर से डालने के लिए, सब बिरयानी के लिए। और इधर है धनिया पत्ती, सारे काट के कंप्लीट कर दिए। अभी डाली मसाले पीस लेती है अदरक लहसुन। चलो जी डॉली तुम स्टार्ट करो अपना काम, तुम्हारा काम ही रहता है मसाला पीसना और रोटी बनाना। देखिए दोस्तों टोपी वाले को इसका काम होता है रोटियां बनाना गर्मा गर्म और सबको खिलाना और मसाला पीसना, सही बोले हैं? हाँ। तो अभी देखिए दोस्तों मम्मी चूल्हे जला दी है एकदम बढ़िया से और दीदी बैठ गई है बनाने के लिए। हाँ इसमें डाल दिया सरसों का तेल और अभी ये प्याज है जिसको अलग कर लेंगे और अलग करके फिर इसको फ्राई करेंगे बिरयानी में। ऊपर से जो लेयर बनता है उसके लिए तो ये सारे प्याज को तोड़ लिए, पहले फ्राई करके निकाल लेते हैं। एकदम हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करना है वरना प्याज नरम पड़ जाएंगे। तो इधर प्याज फ्राई हो गया है अब हम निकाल लेते हैं, इसको फ्राई करके निकाल दिए हैं। और अभी इसी तेल में हम डाल देंगे इधर दो तेज पत्ता है, दालचीनी है, जावित्री है, जीरा है, बड़ी इलायची है। खड़े मसाले आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जो भी पसंद हो। ये हम डाल दिए, जीरा कटक गया। अब इसमें दो बारीक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। तो इधर प्याज ब्राउन भुन गया है, अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। इधर टमाटर को भी एक मिनट भून लिए प्याज के साथ और अब इसमें हम डाल देंगे हरा मटर, आलू, गाजर, बीन्स और फूल गोभी, सारे को अच्छे से मिक्स करेंगे। और दोस्तों एकदम सटीक तरीका, एकदम सिंपल तरीका, हम कैसे बनाते हैं पर्सनली वैसे बना रहे हैं, दूसरे का वो करके नहीं बना रहे हैं। और बिरयानी बनाने का अपना अपना तरीका होता है, बहुत लोग अलग तरीके से बनाते हैं और हम ऐसा रेसिपी बताते हैं देसी तरीके से ताकि वो ईजी भी हो और झटपट बन भी जाए और सबको पसंद भी आए और टेस्ट एकदम लाजवाब हो। तो आपको अगर मेरा बिरयानी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक बार बनाने की कोशिश कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा जरूर। और कैसा बनाया कमेंट करके बताइएगा। 3 से 4 मिनट अच्छे से भून लिए मीडियम फ्लेम पे और अब इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, एक दो मिर्चा है हरा तो मैं एक मिर्चा है उसको तोड़ लिए हैं। अब इसको अदरक लहसुन को अच्छे से इसके साथ मिलाएंगे। इधर 2 मिनट अदरक लहसुन का पेस्ट भी भून दिए हैं सब्जी के साथ। अब इसमें जाएंगे मसाले, तो इधर हम डाल रहे हैं मसाले, मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, छोटा चम्मच से सब है, गरम मसाला 1 चम्मच, बिरयानी मसाला 2 चम्मच, टेस्ट के अनुसार नमक। ये सारे को अच्छे से मिक्स करेंगे। तीन मिनट अच्छे से भून लिए हैं मीडियम फ्लेम पे, मीडियम टू स्लो फ्लेम पे। और अब इसमें हम डालेंगे दही, तो दही डालते टाइम आँच को बिल्कुल बंद करके डालिए दोस्तों, नहीं तो दही फट जाएगा, तो एकदम मेरा आँच एकदम नहीं है। अब इसमें हम डालेंगे 4 चम्मच दही, 1, 2, 3, 4। तो इधर दही को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे एकदम लो फ्लेम पे, इसको चलाते जाएंगे वरना दही फट जाएगा।
इधर हम 3 से 4 मिनट दही के साथ भूनेंगे सब्जी को। तब तक सब्जी भून रहा है तब तक हम चावल को धुलेंगे। चावल पहले से धुल के नहीं रखे हैं, तो इधर चावल को 3 से 4 पानी धुल लिए हैं अच्छे से। और इधर देखते हैं सब्जी का हाल है। इधर सब्जी भी अच्छे से भून गया है 3 से 4 मिनट, और खुशबू जो है सारी है ना तो बहुत बढ़िया आ रही है। तो सारी सब्जी अच्छे से भून गए दोस्तों, स्टेप बाई स्टेप हम आप लोग को बता दिए हैं। अब जब हम सब्जी में लेयरिंग करेंगे तो पहले सब्जी को बराबर कर लेते हैं, और आज को एकदम स्लो करके हम लेयरिंग करेंगे। तो इधर हम इस कटोरी से 2 कटोरी चावल लिए थे, तो 1 कटोरी नीचे ही पानी डाल देंगे। 2 कटोरी नीचे पानी डाल देंगे हम। तो देखिए सब्जी में डाल दिए, और अब इसमें जाएगा ये फ्राई किया हुआ प्याज, थोड़ा सा धनिया पत्ती डालेंगे। अब इधर ले लिए हम देसी घी, तो इसको थोड़ा थोड़ा मतलब ये जम गया है तो इसको किनारे किनारे थोड़ा सा रख देते हैं। और ये है चावल, अब इसको लेयरिंग करेंगे। चावल के लिए लेयरिंग कर दिए हैं, अब इसमें ये ब्राउन अनियन को डाल देंगे, धनिया डाल देंगे, थोड़ा सा गरम मसाला स्प्रिंकल कर देंगे, हल्का सा नमक स्प्रिंकल कर देंगे, थोड़ा सा घी और डाल देंगे दोस्तों। ये थोड़ा जम गया इसलिए हाथ की सहायता करना लेना पड़ रहा है। 1 कटोरी में पानी डाल देते हैं ऊपर से। और अब इसमें हम सीटी लगा देंगे हाई फ्लेम पे, 2 सीटी सीटी लगाएंगे हाई फ्लेम पे, 2 सीटी हाई फ्लेम पे, 2 सीटी 2 सीटी हाई फ्लेम पे आ गया। अब इसको नीचे उतारेंगे, बिरयानी बनके रेडी हो गया अभी। तो देखिए दोस्तों बिरयानी बनके रेडी हो गया है, कितना मस्त बना है बिरयानी। तो खड़े मसाले ऊपर है निकाल देते हैं, और अभी इसको निकालते हैं। कितना गजब दिख रहा है जी, बहुत ही मस्त दिख रहा है। घी डालने की वजह से चमक रहा है ना, और देखो कितना खिला खिला बना है, एक चावल अलग है। अरे बिरयानी तो बहुत जबरदस्त बन गया दोस्तों, हमको लगा नहीं था ऐसा बन जाएगा। खुशबू की नजर जबरदस्त आ रही है। देखिए दोस्तों अभी खाना फटाफट निकल गया, चलते हैं फटाफट खाना खा लेते हैं। ठंड बहुत जबरदस्त है क्यों दीदी? तो देखिए दोस्तों बिरयानी बनके रेडी हुई, कितना ज़्यादा रात हो गया, ठंड तो बहुत ही भयानक वाली है आज मेरी तरफ। सब लोग खाना खाने स्टार्ट कर दिए हैं, अभी बिरयानी और बचा भी है, ऐसा नहीं है कितना ही बस दिया आया है खाने के लिए। बताओ जी अम्मी खा के देखिए अनूप जी खा रहे हैं बिरयानी, और बिरयानी का कलर देखिए कितना मस्त है दोस्तों। हम कलर और फूड कलर या फिर कोई भी कलर नहीं डालते हैं, दूध केसर कुछ भी नहीं डालते हैं, सिंपल बनाते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ दूध केसर बिरयानी में पसंद नहीं है किसी को। और एकदम सिंपल सटीक, ज़्यादा ताम झाम भी नहीं, और लोग बहुत ज़्यादा ताम झाम कर देते हैं, उससे टेस्ट में कोई वो नहीं होता, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया हुआ यार, एकदम मस्त बस बहुत बढ़िया। तो दोस्तों वेज बिरयानी के लिए बहुत ही ज़्यादा मुझे कमेंट आया था, टाइम नहीं मिला था, ठंड इतना ज़्यादा थी इसलिए हमको थोड़ा लेट हुआ है, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन हमने बना दिया, आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और प्लीज़ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। और आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। तो सब लोग बताओ जी कैसा लग रहा है खाना? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आप लोग भी ऐसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।